मोदी जी छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी योजनाओं को रोक के रखा है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई से हो रहा है, ना कि नरेंद्र मोदी की पैसा से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रायगढ़ में सभा की है और राज्य सरकार पर हमले बोले हैं। साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार के कारण ही छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट हो रहा है। और इस वक्त मेरे साथ जो है मंत्री अकबर जी हैं। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि केंद्र के कारण ही छत्तीसगढ़ में डेवलप हो रहा है। छत्तीसगढ़ खुद अपने दम पर डेवलप कर रही है, कांग्रेस की सरकार विकसित कर रही है। लेकिन उनके इन आरोपों को कैसे देखें? देखिए, ऐसा है कि जो भी अभी काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है वो पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में। हमारे साथ जो है दीपक बैजी भी है, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से मोदी ने जो है अपनी सभा में कई आरोप जो है राज्य सरकार पर लगाए हैं, और हमारे साथ जो है दीपक बैजी है, दीपक बैजी से बातचीत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आरोप पीएम मोदी ने लगाए हैं सर, बैज जी, आरोप लग रहा है, मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के कारण हो रहे हैं। मोदी जी छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी योजनाओं को रोक के रखा है। ये डेवलपमेंट किसान मुख्य पैसे से हो रहा है, यहाँ के मजदूरों के पैसे से हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई से हो रहा है। आप लोगों को, ना कि नरेंद्र मोदी की पैसा से हो रहा है। सर, आप लोगों को एटीएम बता रहे हैं कांग्रेस का। देखिए, नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता का लगातार अपमान कर रहे हैं, इससे छत्तीसगढ़ सहमत नहीं है। हाँ, एटीएम है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार। छत्तीसगढ़ किसानों का एटीएम है, छत्तीसगढ़ आदिवासियों के एटीएम है, छत्तीसगढ़ की जनता का एटीएम है, सीधा उनके खातों में पैसा देने का काम कर रहे हैं। लास्ट सवाल, वो कह रहे हैं कि गाय के गोबर पे भी आप लोगों ने भ्रष्टाचार कर दिया, ये मानसिकता है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मोदी जी को जांच कराना चाहिए। मोदी जी के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ झूठे वादे और छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का एक साजिश रचा है, इससे छत्तीसगढ़ जनता। मोदी के जो आरोप लगाए उससे कांग्रेस को प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मोदी जी के आरोप से। पता है छत्तीसगढ़ की जनता को, मोदी जब भी आते हैं छत्तीसगढ़ में झूठ बोल कर जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ दीपक बैज जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मोदी जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है, और छत्तीसगढ़ में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो कांग्रेस सरकार करा रही है, अपने दम पे करा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर इस मुद्दे पर किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी होगी। कैमरा मैन रमा शंकर के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर।